मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महिला से फुटपाथ पर दिनदहाड़े दुष्कर्म के मामले में राजनीति तेज हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर मध्य प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। बता दें कि उज्जैन शहर में एक महिला के साथ सरेराह रेप हुआ, जहां आरोपी ने शहर के कोयला फाटक चौराहे के फुटपाथ पर महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिर किसी ने इस वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उज्जैन की पवित्र भूमि पर ऐसी घटना से मानवता कलंकित हुई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। गांधी ने लिखा कि पवित्र भूमि पर ऐसी वारदात से मानवता कलंकित हुई है। वहीं कमलनाथ ने कानून व्यवस्था ठप होने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोई भी वारदात होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।